पंचायत चुनाव के साथ ही चुनावी रंजिश के मामले भी सामने आने लगे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है मेरठ में, जहां बीडीसी चुनाव में नामांकन करने के बाद प्रत्याशी के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीडीसी प्रत्याशी के पति की हत्या उसी के घर में की गई और हत्या करने का आरोप पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत उसके परिजनों पर लगा है। दरअसल इंचोली थाना क्षेत्र में राहुल ने अपनी पत्नी का बीडीसी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करवाया था और इससे नाराज होकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र ने राहुल की उसके घर में घुसकर हत्या कर दी। किस चीज के टिकट भरे गए थे आज? मेंबरी के टिकट भरने के ऊपर कि ये घर में बैठा था, कहाँ पर था ये? घर में था। अच्छा, कौन लोग थे वो मारने वाले? प्रमुख के लड़के। क्या नाम है प्रमुख का? प्रमुख योगेंद्र। प्रमुख योगेंद्र प्रमुख ही तो ब्लॉक प्रमुख है। अच्छा, तो आज क्या हुआ, आपका बेटा कहाँ गया था? ये मेरा बेटा वो टिकट भरवा के लाया था अपने घर वाले का, मेंबरी का। हाँ, तो उन्होंने भी किसी का भरवा रखा। अच्छा, तो धमकी दे के बस ये कर लो। इससे पहले भी कोई आपका विवाद हुआ था इनसे? नहीं, आज ही विवाद हुआ। घर जैसे संबंध थे। अच्छा, कितने बजे की बात है लगभग? 3 बजे। अच्छा, कितने लोग थे गोली मारने वाले? मारने वालों में कौन कौन था? वो 3, 2, 5, 6। अच्छा, ये एक तो अंकित और किन्नू थे। किन्नू। अच्छा, और वो किन्नू के गांव में तो कहते हैं जैसे कि किसी को कुछ कहते हैं, नाम इन्हों का अलग अलग है। अच्छा अच्छा, तो ये जो पांच और थे इसके साथ भाई बहन थे, मतलब साथ वाले थे, कौन थे इसके? है जी, भाई हैं इसके सगे। अच्छा, एक साले का लड़का, एक लड़का हो रहा है। अच्छा, ना विवाद शुरू कहाँ से हुआ? ये आपके घर आए थे? घर आए जी, घर। अच्छा, घर आए फिर गोली मारी, घर विवाद। अच्छा, सबसे पहले वो उन्हीं के पास भरवाने के लिए जो पर्चा बता रहे हैं आप, कितने बजे गए थे मेरठ से, कब लौटे? ये तो सुबह ही गए होंगे। अच्छा, मैं तो एक मेरे दामाद बीमार था, 12 बजे घर घर गया था, गोली। अच्छा अच्छा, आपके कैसे लगी है चोट? आपकी चोट? रोड मारी। अच्छा, उन्होंने? अच्छा अच्छा। आंटी, क्या घटना हुई है जो किसने गोली मार गए? अच्छा, किसके मारी गोली? आपके लड़के का? मेरे लड़के का। अच्छा। आदमी का सिर फोड़ गए, जेठ की टांग तोड़ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आप मौके पे थी घटना के समय? घर के बाहर हुआ है या किस जगह? घर में ही। घर में काम बता देगा, किसी ने भी लड़ाई भी नहीं हुई, मारी तू, मैं भी नहीं हुई। पहले धमकी दी पहले धमकी दे रहा था। अच्छा, आप माता जी हैं मृतक की? क्या नाम है आपका? जो धमकी दी थी, क्या कहा था इसने? तेरी गांड में गोली तारनी है, मैंने जानी मजाक कर रहा होगा भैया, मुझे का पता ही। वहीं इस मामले पर पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी और बाकी बचे लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। थाना क्षेत्र इंचोली के कुनकुरा गांव में राहुल पुत्र जयसवाल को अंकित पुत्र योगेंद्र के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसके पश्चात राहुल की मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। कुछ ही घंटों में मुख्य अभियुक्त अंकित की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि राहुल अपनी पत्नी का बीडीसी का नामांकन करने के बाद लौटा था और इसी बात से नाराज होकर योगेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर राहुल की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार हत्या करने आए 6 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना से नाराज होकर क्षेत्रीय लोगों ने थाने पर हंगामा किया और न्याय की गुहार लगाई। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।